स्पार्टकस आपके सामने मंचन कर सके। और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं नीव आर्ट सेंटर के, जिन्होंने हमें मौका दिया, अपनी जगह दी कि हम इस नाटक का रिहर्सल वहाँ कर सकें। इस नाटक को लिखा है बादल सरकार ने, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है रति बार्थोलोमियो और वीरेंद्र सक्सेना। निर्देशक हैं तारिक अमीर। नाटक की कुल अवधि है 80 मिनट बिना किसी मध्यांतर के। इससे पहले कि हम नाटक शुरू करें, आगे बढ़ाएं, आप सभी से एक गुजारिश कि आप लोग अपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर डालें, क्योंकि ये भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नाटक के वक्त अगर आपका फ़ोन बजता है तो आपका ध्यान तो बढ़ता ही है, इन कलाकारों को भी परेशानी का सामना करना। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। तो लीजिए, पेश है नाटक स्पार्टकस। Hi, Hazar Dinar! Khusham Dinar!
रही है सन 2022 मुअज्जब इंसान तहजीब याफ्ता जमाना है ना। हमने जाना नहीं, जानना चाहा भी नहीं और जानने से कोई फायदा भी नहीं। हमारे नाटक का आगाज ईसा से 71 साल पहले और ईसा से 2022 साल बाद आज और अभी शुरू होता है। ना तो हमें रोम साम्राज्य की पोशाक मालूम है और ना ही उनकी स्टेज की फिक्र है। हम क्या है ये जाना इतना जरूरी नहीं है। 2000 साल पहले, 2000 साल बाद, सिर्फ 2022 में भी रोम साम्राज्य में के सामने
वो टिक ना सके। बस बस इतना ही काफी है। हुजूर मैं आगे भी जा सकता हूं। चलो एलेना। हुजूर वो सली हुजूर मेरे साहब वो दिख गया उस तरफ उस तरफ। चलेगा वैसे एक और भी दे सकता था ऐसे सारा नवाब बना फिर हराम लेकिन रोम की तीन चौथाई बेहतरीन
फौज बर्बाद करके सुनो भारत का सरदर कभी पैदा हुआ तो दिया जाएगा। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं सेनापति क्रासस जैसे आप स्पार्टिकस को जानते थे। मैं उसे जानता तो नहीं था लेकिन मैंने मालूम जरूर किया। किन लोगों से सेनापति क्रासस? उन लोगों से जो उससे लड़े थे या उससे वाकिफ थे। सबसे ज्यादा बाटियाटस कापुआ के ग्लैडिएटर्स का नगाड़े का मालिक लेंटुलस बाटियाटस। सेनापति क्रासस, हम सब जानना चाहते हैं कि आप स्पार्टिकस को क्यों जानना चाहते थे? क्योंकि दुश्मन को बगैर जाने और समझे उस पर कभी फतेह नहीं किया जा सकता। बस यही बात तो एक विदेश से मैं आप सबको समझा रहा हूँ। वाह कायस वाह, मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि स्पार्टिकस के टुकड़े टुकड़े हो चुके, वो खत्म हो गया। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो दुश्मन नहीं गुलाम है, सिर्फ गुलाम। वो तो बहुत लंबी दास्तान है, इन लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी। तो चलिए ना हम बाग में चलकर बातें करते हैं। चलिए अच्छा मैं भी चलूं। नींद आ रही है क्या? नींद तो नहीं लेकिन कुछ लिखना है। ऐसा क्या लिखना है? एक गंदे नाले का इतिहास। गंदे नाले का इतिहास। जब फौज की जिम्मेदारी मिलती है तब तब शरीफ लोगों का यही हाल होता है। मैं मेहनत से दो पैसे कमाता हूँ, सालों की आंखें भर जाती हैं। ऐसे पैसे का क्या फायदा? किसी बड़े खानदान में पैदा होता तब कुछ फायदा था, हमारा फायदा। आज इसको मक्खन लगाओ कल उसको रिश्वत दो, कोई सेनापति ऐसी चीज बुलाए तो सल्तनत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ो। यही है हमारा इंसाफ पसंद रोम और उसका नाइंसाफ। अगर इतना जरूरी था तो इस पार्टी के बजाय एक घोड़े का इंतजाम कर लेता। इस धूप में ना नहाया ना खाया, ऊपर से सारी शाम से बारिश होकर जा रही है। भीगे भीगे सेनापति, सारे तू सेनापति है तो मुझे क्या कर लेना? मैंने मेहनत से दो पैसे कमाना ही चाहिए, अच्छे में हिस्सा तो देता ही हूँ। तुम्हारे ही लोग दोनों हाथों से हिस्सा छीनते हैं फिर भी मुझे इससे क्यों सीखना चाह रहा है? इस बीत के घोड़े पर कहाँ कापुआ कहाँ लोग? लेंटुलस बाटियाटस, आपको काफी दूर से आना पड़ा है। पी भी गए हैं, थक भी गए हैं, लगता कुछ खाया भी नहीं है आपने। जी पी भी गया हूँ थक भी गया हूँ, पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि भूख बर्दाश्त से बाहर है। आपके सिपाही से कहा भी था लेकिन उसे ये भूख वाली बात जरा बेवजह लगी। मेरे सिपाही मेरे हुक्म मानने के पाबंद है। मेरा हुक्म था कि आपको मेरे पास लाया जाए, आप पहुंच गए। अभी कर देते हैं सब इंतजाम। बाटियाटस को देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि ये आदमी कुछ भी हो लेकिन बेवकूफ नहीं है। अरे बाटियाटस तो खासा जंगली है। तुम जानती हो बाटियाटस को? हाँ, देखा था आज से 4 साल पहले। मारियस ब्राकस मुझे उसके अखाड़े में मिल गया था। मारियस ब्राकस रोम की तीसरी शहरी सेना का सेनापति? हाँ, लड़ाई की शुरुआत में ही वो मारा गया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अच्छा? हाँ, मुझे कुछ करने के लिए उसने एक बार कहा
किया उसने फिर तो बस। हाँ, सिर्फ मेरे, अपने एक दोस्त और उसकी बीवी के लिए। स्पार्टकस के फरार होने से पहले या उसके बाद? उससे सिर्फ 8 दिन पहले। पहले क्या हुआ था वहाँ? तुमने पहला तुमने स्पार्टकस को देखा था? वो कभी बाद में सुना। पहले तुम सुना? नहीं, तुम। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि तुम बोलो। नहीं नहीं, पहले तुम बोलो ना। समझते हैं
मैं आपको नापाक नहीं समझता। आइए। थीबिस शहर में नील नदी के किनारे किनारे चलो, नरक यहीं से शुरू होता है। हरियाली देखने को नहीं मिलती, ना हवा है ना पेड़, सिर्फ रेत रेत ही रेत। उसके बाद नदी से कुछ दूर हटकर दक्षिण में लूबिया की रेगिस्तान में मुड़ जाओ। यहाँ काटे का एक पेड़ तक नहीं, सिर्फ रेत ही रेत रेत ही रेत। पैरों के नीचे, आंख में, नाक में, कान में रेत ही रेत। कमबख्त हवा तक नहीं। रेत में कसाब, बहुत गर्मी, तपस के गरम गरम थपेड़े जो बदन को जला देते हैं। गले में पड़ी गरम बेड़िया बदन को जलाकर थपेड़े डाल देती है। तुम पढ़ते हो, तुम चलते हो, तुम पढ़ते हो नरक के रास्ते में। ये सफर भी खत्म होता है, लेकिन खत्म होता है नरक में। ना घास, ना दरक, ना हवा, ना चिड़िया, सिर्फ एक काला लंबा पहाड़ और उसकी गुलाई। नजदीक जाओ तो काले पत्थर पर एक बारीक लकीर। सोना इसी लकीर में है, सोना यहीं से खोद कर निकालना है। ये रोम जाना है, कौन खोदेगा? हम लोग, हम सब जो कतार बना कर जा रहे हैं, कौन है हम लोग? धन से खरीदे फ्रांस के गुलाम। लोगों का कहना है फ्रांस के लोग मिट्टी के नीचे ज्यादा अरसे तक रह सकते हैं, तकरीबन 2 साल। इसी नर्क में अपने 2 साल गुजार दिए, आज हम आ पहुंचे। लोगों का रहनुमा कौन है बोलो? अभी मैं चाबुक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बोलो। ये सभी मुझे बाबा कहते हैं। बाबा लगता तो नहीं तुम इतनी उम्र है। हमारे मुल्क में यही रिवाज है। हमारे मुल्क में और रिवाज है, यहाँ अगर गलती को ये करता है चाबुक बाबा को मारे जाते हैं, समझा? हाँ समझ गया। तुम सब कान खोल कर सुन लो, ये जगह वैसे ही बहुत खराब है, हम इसे और खराब बना सकते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम सब जब तक जिंदा हो बस काम करो, तुम्हारे मर जाने पर हम कुछ नहीं चाहेंगे, समझ गया? अगर जानना चाहो तो बतलाए देता हूं, बाकी जगहों पर मौत से जिंदगी बेहतर है, लेकिन यहां यहां जिंदगी से मौत बेहतर है, बहुत बेहतर। समझ गया बाबा? हाँ समझ गया। तुम सब उस तरफ जाओ, अपना खाना पानी लो। और हाँ याद रहे, वही तुम्हारा अस्तबल है, सुबह सवेरे नगाड़ा बजते ही बाहर निकल आना। पहले 4 घंटे काम, फिर खाना पानी, फिर 8 घंटे काम, फिर छुट्टी। जितना कहा है याद रखना। खाना पानी, खाना
का नामो निशान तक नहीं, खूब अंधेरा, ये गुफा कभी साफ नहीं, हर वक्त बदबू आती है। हम लोग नहाने की बात सोच भी नहीं सकते, हमें दिन में दो बार पानी सिर्फ एक खेत कटा हुआ। इस रेगिस्तान के लिए, इस गर्मी के लिए, इस दस सेर के हथौड़े को 12 घंटे मुसलसल चलाने के लिए, ये पानी तब कम होता है कि धीरे धीरे हमारे पेशाब की थैली सड़ जाती है, दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है, और जब काम करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है तो हमें फेंक दिया जाता है बाहर रेगिस्तान में मरने के लिए। 10 किलो का हथौड़ा, हथौड़े का वजन 10 किलो, वैसे ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इस 10 किलो के हथौड़े को 4 घंटे मुसलसल चलाना मेरे प्याज आपसे कम नहीं। बदन में पानी नहीं होता, बदन से पसीना बहता रहता है, पसीने का बहना ठीक कैसे, जैसे जान का निकलना, पसीना नहीं थमता, 4 घंटा एक लंबा अरसा, उसके बाद पानी सिर्फ एक हथौड़ा, फिर 8 घंटे और 10 किलो का हथौड़ा, ऐसा लगता है वक्त रुक गया हो। फिर शुरू होते हैं सिपाहियों के चाबुक। जानलेवा चाबुक तंगी पीठ पर चिपक जाते हैं, ये सिपाही सिर्फ चाबुक से ही बात करते हैं और शरीर के किसी भी हिस्से पर इन चाबुकों से टंग मार देते हैं ताकि ये हथौड़ा एक दफा भी ना रुके। प्यास 10 गुना बढ़ जाती है, 8 घंटे एक सती से ज्यादा लगने लगता है, लेकिन बस नहीं खत्म होता है एक दिन, और ऐसे ही एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल, नूबिया की सोने की कान का नरक, नरक के गुलाम, थ्रास के गुलाम, हम औरत जिसे लोग स्पार्टकस की दीवी कहते हैं, वारिनिया, उसके बारे में बताइए। 500 दिनार में खरीदा था साली को, सिर्फ 500 दिनार में, मैं तो तभी समझ गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है, कोई गड़बड़ जरूर है, पता है इतनी सस्ती। सारा सोने का कमरा तोड़ पड़ डाला, इतना खूबसूरत फूलदान मुझे ही उसके सर पर तोड़ना पड़ा, मुझे ही मार डालती। मैंने उसी दिन उसे क्यों नहीं मारा? फिर हिसाब किया तो 500 वहां खर्चे और 2000 की तोड़फोड़। तो मारो क्यों? साले उस पार्टनर्स को, उसके चुप भेड़ से चेहरे को देखकर मुझे अजीब सा लगता था, उसी को मजाक में बजात गुलाम और को जख्मी करने के लिए बजात ग्लैडिएटर। सारी बीवी बन गई, और सुनो बीवी बन गई। लोग उसे स्पार्टकस की बीवी कहते हैं, गुलाम की बीवी, क्या मजाक है। अरे उन दोनों को उसी दिन क्यों नहीं मार डाला? खेल के दूसरे ही दिन स्पार्टकस चुपचाप भेड़ तक रहा था, चाल और भाला फेंक कर अखाड़े में। मैंने वो चेहरा देखकर गलती की, वरना आज उसे उसी दिन
लिए था जिस दिन को खत्म किया था। हेलेना तुम बता रही थी ग्लैडिएटर्स की उस लड़ाई के बारे में, क्या हुआ था उस रोज? कोई बात नहीं थी, पता नहीं एक बार क्यों बौखला गया, जान और भाला लेकर एक बार जोरों से चिल्लाया, फिर जान फेंक कर भाला लेकर हमारी तरफ दौड़ कर आया। उस रोज स्पार्टकस के साथ क्या हुआ था, क्यों ड्रामा बौखला गया था? कोई बात नहीं थी, पता नहीं क्यों बौखला गया था। पार्टी आर्टर तो यही कहेगा, हेलेना भी यही कहेगी, सभी लोग यही कहेंगे। क्या बात थी, क्या बात है, कौन जानना चाहेगा? कौन? क्या किसी ने ड्रामा के गुजरे कल को देखा है? समुद्र के किनारे उसकी छोटी सी झोपड़ी को देखा है, उसकी बीवी को देखा है, उसके मासूम बच्चों को देखा है? क्या किसी ने देखा है कि सिपाही कैसे लाए थे उसको, उसके घर वालों को, उसके पड़ोसियों को, उसके गाँव वालों को? क्या किसी को उसकी 32 लड़ाइयों का इतिहास मालूम है? क्या किसी को मालूम है वो बातें जो लड़ाई से पहले उसकी स्पार्टकस से हुई थी? स्पार्टकस क्या है ड्रामा? ऊपर वाला जिन्हें चाहता है क्या उन्हें बचपन नहीं उठा लेता है? नहीं। तुम ऊपर वाले पर यकीन नहीं करते? नहीं। तो फिर किस पर यकीन करते हो स्पार्टकस? यकीन करता हूँ तुम पर, अपने आप पर। हम लोग तेरे निष्ठा के कसाई बाड़े के गोश्त के टुकड़े हैं। मैं बहुत दिन जी लिया इस बूचड़खाने में, मैं अपने घर से बहुत दूर, अपने बचपन से बहुत दूर हूँ। स्पार्टकस मैं आज तुमसे नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़े तो हम दोनों को मार दिया जाएगा। तो तुम मुझे मार देना, मैं और जीना नहीं चाहता। हम गुलाम हैं, जिंदगी के अलावा हमारे पास है ही क्या? स्पार्टकस तुम मेरे दोस्त हो। ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर से दोस्ती मत कर। दोस्ती मत कर, हजारों बार सुन चुका हूँ, हजारों बार कहा भी है। 32 ग्लैडिएटर मारे जा चुके हैं मेरे हाथों से, इन्हीं हाथों से। फिर भी स्पार्टकस तुम मेरे दोस्त हो। स्पार्टकस आदमी आखिर पैदा इसलिए होता है? जीने के लिए। बस इतनी सी बात के लिए? हाँ सिर्फ इतनी सी बात के लिए। तुम्हारा जवाब मैं समझ नहीं पाया स्पार्टकस। क्यों क्यों ड्रामा? इतनी सी बात तो एक छोटा सा बच्चा तक जानता है, माँ के पेट से पैदा होते ही जान जाता है। इससे साफ जवाब और क्या हो सकता है? आदमी पैदा होता है जीने के लिए और जीता है जब तक मौत न आ जाए। हम लोग जीते हैं दोस्त का खून करके, फिर भी जीना पड़ता है। अच्छी हालत में कोई और गुलाम रहता है?
कम लोगों में से आज तक किसी ने इस बात को नहीं समझा। मक्सी सारा नमक हराम। Bye.
लेकिन रोम की फौज का निजाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। स्पार्टिकस ने फौरन इसे समझ लिया, समझना पड़ा। दूर तक फैल जाओ, आपस में दूरियां बनाए रखना, पत्थर फेंको पत्थर। जब मैं उठा तो
मैंने देखा बहुत से लोग चीख रहे थे। मैं कैलियस के साथ सोया था कि जब मैं उठा तो मेरा हाथ किसी गर्म मुलायम गीली चीज पर पड़ा। मैंने देखा वो कैलियस की गर्दन थी। वो भी बिना तड़के चारों तरफ चीखें बढ़ रही थी। चारों तरफ खून ही खून था, खून ही खून। अपने और पराए खून में फर्क नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बस लाशें ही लाशें थी। हर तरफ बस गुलाम ही गुलाम थे। उनकी तलवारें और छुरियां वो तीर कैसी, उनकी तलवारें चांद की रोशनी में चमचमा रही थी। सब पर मौत हावी थी, हम सब पर मौत हावी थी। जिन्होंने जिन्होंने उठकर भागने की कोशिश की वो बिस्तर पर ही मार दिए गए। लेकिन ज्यादा देर टिक ना सके। मैंने बस भागने की कोशिश की। गुलाम मेरे सामने आ गया। मैंने अपनी तलवार ली, उसके पेट में दौड़ दी। फिर मैं बाहर की तरफ भागा। चारों तरफ गुलाम ही गुलाम थे जो दीवार की तरह खड़े थे। उनमें ज्यादातर औरतें थी जो भूखी शेरनियों की तरह लग रही थी। तभी एक सिपाही ने उस पर भागने की कोशिश की तो उसे वहीं बारिश में छेद कर दिया। मैंने ठान लिया था लड़कर मरूंगा, लेकिन ऐसा कर ना सका। उन्हें तबाही समझ
अपने हाथ को। क्या? हम अपने बच्चों की जुदाई में रोते हैं, तुम गुलाम हो तो पेट से गुलाम हो तो पेट से गुलाम पैदा करके उन मासूमों को निलाम कर देते हो। तुम इंसानों को कुत्तों की तरह लगाकर खुश होते हो? तुम्हारी सदालत ने ही दुनिया को जहन्नुम बना दिया है। जहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ कोई मालिक नहीं होगा, जहाँ कोई मालिक नहीं होगा, जहाँ कोई गुलाम नहीं होगा, जहाँ सब बराबर होंगे, जहाँ खुशहाली होगी, अमन होगा, चैन होगा। जाओ, सेना चाहे तुम्हारी फौज को भेजा था, उनमें से सिर्फ तुम जिंदा बचे हो। जाओ, सेना से कहना, गुलाम स्पार्टकस ने कहा है। जानती हो, तुमसे अच्छी हालत में रहने की बात कोई गुलाम औरत सोच भी नहीं सकती है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें कान के दलालों को बेच सकता हूं और तुम्हारे उस मासूम बच्चे को कहीं और। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं। फिर वारिनिया मुझसे ज्यादा दौलत पूरे रोम शायद पूरी दुनिया किसी के पास नहीं है। मैं गुलाम औरतें चाहूं खरीद सकता हूं। गुलाम ही क्यों, मैं कोई भी औरत खरीद सकता हूं, कोई भी। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? अमन दिया है, चैन दिया है, सुकून दिया है।
हमारे स्पार्टकस ने चार साल लड़कर क्या दिया? बर्बादी, तकलीफ और मौत। बोलो, नहीं दिया ये सब? नहीं। बगावत की रात पूरी जगह भड़काना गलत काम नहीं है। मारिया, रोम की ताकत की कोई हद नहीं है। आज ये दुनिया में रोम फैला हुआ है। रोम के जाबाज सिपाहियों से सभी मुल्क कांपते हैं, मेरी सेना से। हाँ, तुम्हारे स्पार्टकस ने हमारा थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। रोम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। गुलाम स्पार्टकस ने रोम को बर्बाद करने की कोशिश की, एक नाकाम कोशिश और वो कुछ ना कर सका। मारी निया, स्पार्टकस के बारे में रोने से अब क्या फायदा? तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। स्पार्टकस को भूल जाओ। नहीं, सुनो, तुम मुझे बताओ, मुझे समझाओ, ताकि फिर मैं भी बोलो। वारिनिया बोलो, 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 बोलो। तुम भी हो, मैं भी हूं, मैं उन लोगों के भी साथ हूं, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़
क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं मारिनिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे मारिनिया चाहिए। नहीं क्रैसस, नहीं, तुम्हारे लड़ने की वजह ये नहीं है। तो फिर क्या वजह है? रोम को बचाने के लिए। तुम रोम हो। रोम को बचाने के लिए? रोम को किससे बचाने के लिए? उन लोगों से, वो लोग जो तुम्हारे चारों तरफ हैं, तुम्हारे पैर के नीचे हैं। स्पार्टिकस अगर वारिनिया के दिल में जिंदा है तो उनके दिलों में भी जिंदा है। वो लोग, वो लोग तो सिर्फ गुलाम हैं, गुलाम। वारिनिया भी तो गुलाम है। स्पार्टिकस को वारिनिया के दिल से निकालना होगा, वरना ना तुम बचोगे। बकवास बकवास, मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं वारिनिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे वो चाहिए। नहीं क्रैसस, तुम्हें खौफ है, तुम अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हो। नहीं नहीं, मैं फिर बात करूंगा, मैं फिर समझाऊंगा। वारिनिया, वारिनिया, तुम कहो वारिनिया। जानता हूं कि रोम इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता था। इसीलिए तुम रोम में यकीन रखते हो। हाँ, जो यकीन नहीं रखता वो गलत राह पर चला गया, मारा गया। कफलावियस की तरह बिना मकसद जिंदा है और रास्ते में पड़ेगा। तुमने यकीन किया और सही राह इख्तियार कर ली, इसलिए तुम सेनेट के हीरे हो, अनमोल हीरे। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। फिर वारिनिया को ढूंढने का मकसद? अगर मैं कहूं वारिनिया से मैं मोहब्बत करता हूं इसीलिए। मोहब्बत? शायद यकीन कर लूं, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है? तुमने ना तो उसे कभी देखा है और ना ही उसे पहचानते हो। मैं उससे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हूं क्योंकि वो स्पार्टिकस की बीवी है। स्पार्टिकस की बीवी है तो क्या हुआ? स्पार्टिकस तो मर चुका। यही तो मुझे जानना है कि स्पार्टिकस मारा गया या जिंदा है। वारिनिया के अलावा ये मुझे पता भी कौन सकता है। अगर मैं जान जाऊं स्पार्टिकस जिंदा है तो रोम जो मेरी माँ, पता नहीं अब इन सवालों का क्या फायदा। स्पार्टिकस अगर जिंदा है तो ये गुलाम भी जिंदा है, ये कभी सोचा तुमने? उफ, गुलाम गुलाम गुलाम, पता नहीं, समझ नहीं पाता। कहा तो वारिनिया मुझे नहीं मिल पाई तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मरने से पहले कम से कम एक बार। एक बार? मुझे क्यों है? मैं क्या कर सकता हूँ? क्रासस नहीं बेचेगा। जानता हूँ, इसीलिए मैंने उसे 10 लाख दिया। 10 लाख? नहीं माना तो 20 लाख। 20 लाख? क्या कह रहे हो? तब भी राजी नहीं हुआ। क्यों? क्रासस क्यों? एक मामूली गुलाम औरत के लिए आखिर इतना पैसा क्यों? अगर तुम उस पर यकीन करते हो और मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? मोहब्बत क्या? आज तक कोई औरत तुम्हारे नजदीक तक नहीं आ पाई और आज अचानक एक मामूली गुलाम औरत के लिए तुम्हारे दिल में इतनी जगह हो गई कि उसके लिए 20 लाख? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। तुमसे किसने कहा कि समझो? कुछ भी हो, कैसे भी हो, मुझे हर हाल में हर कीमत पर वारिनिया चाहिए। मैं कितने पैसे दे सकता हूँ वो तुम्हें मालूम ही है। 20 लाख मुझे? हाँ 20 लाख तुम्हें। 20 लाख मुझे? 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 20 लाख? अगर मैं औरत को ले आऊँ तो 20 लाख लेकर मैं मिस्र भाग सकता हूँ। वहाँ एक शानदार महल और 4 हसीन गुलाम औरतों के साथ। बहुत बड़ी रकम है, कुछ भी कर सकता है
और करेगा। मैं उस खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। माना तैयार हो, लेकिन वो औरत तुम्हारे मुंह पे थूक दे तो? क्रासस ने स्पार्टकस को मारा, लेकिन किसके हाथ में? सेनेट। तो तुम उस औरत को क्या दे सकते हो? क्या गुलाम एक ही चीज चाहते हैं? दे सकोगे? तुम्हारा मतलब आजादी? हाँ आजादी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुमसे अलग। रोम की सरहद से बाहर, क्रासस की गिरफ्त से बाहर, तुम्हारी कैद से बाहर। अगर मैं कहूं मैं सब दूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अपनी जिंदगी की एक रात? एक रात की क्या? मोहब्बत? नहीं मोहब्बत नहीं, इज्जत? नहीं नहीं, ये भी नहीं। एहसान मान लो, शायद वही एहसान। तुम बेवकूफ हो। हाँ मैं उससे भी ज्यादा बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी ये बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम इंतजाम कर सकते हो नहीं? वो बताओ क्यों नहीं? अगर वो राजी हो तो। हाँ तभी उसे कहाँ भेजोगे? रोम के सड़क के बाहर, गॉल देश, वहाँ कोई खतरा नहीं है। क्रासस के यहाँ से कैसे निकालो? क्रासस का शाम को बाहर जा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा देकर हो जाएगा, लेकिन उसके बच्चे का क्या होगा? वो तो भी अपने साथ। ठीक है, ऊपर वाला ही जानता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन जो कुछ इंतजाम है ठीक है। अब मुझे इजाजत दो। वारिनिया, मैं एक बात जानना चाहता हूं। तुम अगर चाहती तो क्रासस तुमसे ब्याह भी कर लेता, तुम मलका बन जाती। क्या तुम ये नहीं चाहती? नहीं। फिर तुम क्या चाहती हो? आजादी। आजादी? ऐसी क्या चीज है आजादी? भूखे मरने की आजादी, तपती चिलचिलाती धूप में काम करने की आजादी, जानवरों से बदतर जीने की आजादी, खून थूकने की आजादी? मुझे नहीं मालूम, मैं क्रासस को भी नहीं समझा पाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोम से नफरत करती हो? मैं रोम को दिलो जान से चाहता हूँ। रोम कैसा भी हो मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। स्पार्टकस रोम को बर्बाद करना चाहता था, बर्बाद करके आके उसे क्या मिलता? बर्बाद? स्पार्टकस रोम को बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्पार्टकस तो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां ना मालिक होते ना गुलाम, जहां सभी बराबर होते, जहां ना लड़ाइयां होती ना तकलीफें होती और ना ही किसी चीज की कमी। स्पार्टकस का क्या यही ख्वाब था? तब तो रोम जो मेरी माँ, जो नहीं भी हो सकती थी, क्या पता शायद उसका बच्चा। उसको क्या उसके बाप के बारे में बताओगी? हाँ जरूर बताऊंगी। कैसे समझाओगी कि उसका बाप एक नेक इंसान था? तुम कैसे समझोगे कि स्पार्टकस एक नेक इंसान था? समझना क्या इतना मुश्किल है? हाँ कुछ लोगों के लिए जरूर मुश्किल। तुम जानते हो मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी? शायद समझ सकते। मैं उसे कहूंगी स्पार्टकस एक नेक और बहादुर इंसान था, क्योंकि वो नाइंसाफी और बुराई के खिलाफ लड़ा। क्या बस इसीलिए स्पार्टकस एक नेक इंसान था? कुछ में इतनी अक्ल तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी इंसान में ये खूबियां होंगी वो जरूर नेक और बहादुर होगा। वो अच्छे और बुरे में कैसे फर्क था? जो लोग उसके लोगों के लिए अच्छे थे वो उनके लिए अच्छा था, और जो लोग उनके लोगों के लिए बुरे थे, उसके लोगों को तकलीफ देते थे, उनके लिए वो बुरा था। समझ गया। लाविया सुबह सवेरे यहाँ आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सुबह तक बातें करो। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। क्या सिर्फ इतना करोगी? मैं करूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं अपने लिए। स्पार्टकस की मौत के बाद मैं आज तक हंस नहीं सकी। सोचा था कभी हंस भी नहीं पाऊंगी, लेकिन आज लग रहा है कि हंस सकती। स्पार्टकस कहा करता था कि जिंदगी से बड़ी कीमती चीज कुछ भी नहीं थी। तब मुझे लगा था कि मैंने उसे समझ लिया, लेकिन आज जितना समझा है
स्पार्टकस। वारिनिया। मैं जिंदा हूँ स्पार्टकस। मैं भी जिंदा हूँ वारिनिया। तुम कहाँ हो स्पार्टकस? यहाँ झगड़ा है, जुल्म है, जंग है, नाइंसाफी है। मैं वहीं हूँ। ये जंग कब खत्म होगी स्पार्टकस? जब हर कोई आजाद होगा, बराबर होगा। कैसा होगा? हाँ वारिनिया, ऐसा जरूर होगा। मैं फिर लौटूंगा लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। मैं फिर लौटूंगा। Thank you.